सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस चुभती जलती गर्मी के मौसम में राहत देने वाले 6 रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले ड्रिंक का नाम है सौंफ का शरबत। इसे बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून सौंफ लेकर उसे 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे, जिससे वो फूलकर इस तरह की हो जाएगी। फिर हम एक मिक्सर जार लेकर भीगी हुई सौंफ को इसमें डाल देंगे। इतनी सौंफ से शरबत के 2 ग्लास बन जाएंगे। साथ में ही आप 10 से 12 पुदीना पत्ती और 2 टेबलस्पून पानी भी डाल दीजिए, ताकि इसे पीसने में आसानी हो जाए। ये देखिए, पीसने के बाद इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इसका। इस पेस्ट को एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास ठंडा पानी। कोशिश कीजिए कि आप इन सभी ड्रिंक्स को ऊपर से बर्फ डालने के बजाय मेरी तरह ठंडे पानी से ही बनाएं। मीठे के लिए हम इन सभी ड्रिंक्स में मिश्री लेकर इसका पाउडर बना लेंगे। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से ये गर्मियों के लिए परफेक्ट है, और चीनी के मुकाबले मीठे के लिए ये एक बेहतर और हेल्दियर ऑप्शन है। इसीलिए अब हम इस सौंफ के घोल में डालेंगे 2 चम्मच मिश्री का पाउडर। मिला देते हैं इसे। पाउडर बनाकर डालने से इसे घोल में मिक्स करने में आसानी हो जाती है। अब आप एक दूसरा बर्तन लेकर इसे छान लीजिए। चम्मच से प्रेस करके हम अच्छे से इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। ग्लास में डालकर सर्व कर लेते हैं अब इसे। और ये लीजिए, तैयार है तरोताज़ा कर देने वाला ये हेल्दी सौंफ का शरबत। अब आती है दूसरी रेसिपी, जिसका नाम है पुदीना शरबत। 2 ग्लास शरबत बनाने के लिए हमने ली है 1 कप पुदीना पत्ती। सबसे पहले आप इसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। इन्हें हम एक मिक्सर जार में डाल लेते हैं। साथ ही में 1/4 ग्लास पानी भी डाल दीजिए, ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो जाए। पीसने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास ठंडा पानी। पानी को एक बार मिक्सर जार में घोलकर डाल देते हैं, ताकि बचा खुचा पुदीना पेस्ट भी इसमें से साफ हो जाए। इन ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए अगर आप बाद में ऊपर से बर्फ डालेंगे तो ये वाटरी हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बदल जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि मेरी तरह इन्हें ठंडे पानी में ही बनाएं और बर्फ अवॉइड करें। इसके बाद हम इसे छान लेंगे। फिर हम इसमें भी मीठे के लिए 2 चम्मच मिश्री का पाउडर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक। मिला देते हैं इसे अच्छे से। सर्व करने के लिए ग्लास में डाल लेते हैं। और ये लीजिए, हमारा पुदीना शरबत भी बनकर तैयार है। इस वीडियो में आप सबके लिए मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि ये सभी ड्रिंक्स टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हों। चलिए इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आती है बच्चों की फेवरेट तीसरी रेसिपी, जिसका नाम है मैंगो फ्रूटी। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 आम। फिर हम इस आम का छिलका उतार लेंगे, फेंक देते हैं इन्हें। मैंगो फ्रूटी बनाने में ये हमारे काम नहीं आएंगे। अब हम आम को काटकर इसका पल्प निकाल लेते हैं। यहाँ गुठली भी फ्रूटी बनाने में काम नहीं आएगी, इसीलिए इसे भी फेंक देंगे। इसके बाद हम एक कैरी लेकर उसे भी छील लेंगे। छिलके हटाने के बाद हमें कैरी को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। आम की तरह ही इसकी गुठली को भी आप फेंक दीजिए। इसके बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करके एक प्रेशर कुकर रखेंगे और उसमें डालेंगे ये आम का पल्प और साथ में ये कैरी के टुकड़े। इस पर हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अब आप कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 1 सीटी आने तक पका लीजिए। तब तक मीठे के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1/2 ग्लास पानी और 1/4 कप चीनी। गैस को मीडियम फ्लेम पर करके इसे बस चीनी घुलने तक पका लीजिए। बीच बीच में चलाते रहते हैं। इसमें करीब 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा। ये देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल गई है यहाँ पर। ऐसा होने पर हम गैस बंद कर देंगे। कुकर को भी हमने सीटी लगने के बाद ठंडा कर लिया है। चलिए अब ढक्कन खोल लेते हैं इसका।
पानी हटाकर हम पल्प को मिक्सर जार में डाल देते हैं। जार का ढक्कन बंद करके इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बन जाएगा पीसने के बाद। इसमें आप आधा ग्लास पानी डाल दीजिए। मिला देते हैं इसे एक बार। इसके बाद आप छानकर इसे एक बड़े बोल में निकाल लीजिए। ये देखिए, पूरी तरह से छानने के बाद आखिर में बस इतना सा पल्प रह जाना चाहिए स्ट्रेनर में। अब हम इसमें शुगर सिरप डाल देते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से शुगर सिरप की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिलाकर देख लेते हैं इसे एक बार। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे अभी ये। इसमें एक टेबलस्पून पानी और डाल देते हैं। अब देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मैंगो फ्रूटी की कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। पानी डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें इसे गाढ़ा ही रखना है, इसीलिए ज़्यादा पानी डालकर पतला ना करें। कोशिश कीजिए कि ऊपर से बर्फ़ डालने के बजाय आप इसे सर्व करने से पहले 15-20 मिनट फ्रिज में रख दीजिए। इसी के साथ हमारी मैंगो फ्रूटी भी बनकर तैयार है। नेक्स्ट आती है एक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसका नाम है सत्तू की छाछ। सबसे पहले सत्तू बनाते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सर जार में 2 टेबलस्पून चने डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, पाउडर बन गया है इसका। सत्तू तैयार है। अगर आप इसे घर पर नहीं बनाना चाहते तो ये बाज़ार में भी आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हम लेंगे 1 कप दही। अच्छे से विस्क करके स्मूथ कर लेते हैं इसे। ऐसा करने से छाछ बनाते वक्त उसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। अब हम पहले इसमें आधा ग्लास पानी डालकर मिलाएंगे। फिर आधा ग्लास पानी और डाल दीजिए। ये देखिए, छाछ की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जानी चाहिए। दही से छाछ बनाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सत्तू। मिला लेते हैं इसे अच्छे से। आप देख रहे होंगे कि चम्मच से मिलाने पर लम्प्स बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक विस्कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह हैंड ब्लेंडर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून पुदीना पाउडर और 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। इनके अलावा आप इसमें स्पेशल छाछ मसाला भी डाल सकते हैं, जिसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मिक्स कर देते हैं सभी मसालों को साथ में और फाइनली हम इसे ग्लास में डालकर सर्व कर देंगे। इसी के साथ हमारी हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर सत्तू की छाछ बनकर तैयार है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इन सब में से अपनी फेवरेट रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आती है 5वीं रेसिपी, जिसका नाम है गुलाब का शरबत। ये शरबत तो आप सबने पिया है, पर आज हम इसे एक डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बोल में 1 ग्लास ठंडा पानी डाल लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा। आप इसकी जगह कोई भी और रोज़ सिरप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डाल दीजिए या फिर रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी को ही बढ़ा दीजिए। मिक्स कर देते हैं इसे एक बार। इसके बाद हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपने इससे पहले कभी रूह अफ़ज़ा में नींबू डालकर नहीं पिया है तो एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आखिर में हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डालकर मिला देंगे। ग्लास में डालकर सर्व कर लेते हैं इसे। और ये लीजिए, तैयार है मज़ेदार ट्विस्ट के साथ बनाया हुआ गुलाब शरबत। अगली रेसिपी का नाम है मसाला सोडा शिकंजी। गर्मियों के मौसम के लिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रिंक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 से 12 पुदीने की पत्तियां लेकर उन्हें पीस लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसी में आप 1 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और इस पुदीने के घोल को उसमें छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास ठंडा पानी, 2 चम्मच मिश्री का पाउडर। मिक्स कर देते हैं इन्हें एक बार। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और 1.5 नींबुओं का रस। इन सभी समर ड्रिंक्स की रेसिपीज़ में आप मसाले और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी अपने टेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आखिर में हम लेंगे सोडा वाटर। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आ जाता है ये। गर्मियों में आप 1 बॉटल लाकर घर पे रख ही लीजिए, ये बहुत काम आता है।
सोडा वाटर को आप सर्व करने से जस्ट पहले डायरेक्टली ग्लास में ही डालें। इसके लिए हम ग्लास को पहले अभी बनाई हुई शिकंजी डालकर आधा भर लेंगे और बचे हुए आधे ग्लास में ये सोडा वाटर डाल देंगे। आप भी इस ड्रिंक को हमेशा इसी तरीके से सर्व कीजिए। इसी के साथ हमारी मसाला सोडा शिकंजी भी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और इन सब में से अपनी फेवरेट समर ड्रिंक की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नए नए और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।